वैसे ऑफिस के लिए तैयार होते हुए सूट और टाई लगाना हो, या फिर किसी त्योहार में खादी के बने आउटफिट्स पहनने हो, स्कूल ड्रेस, जीन्स, साड़ी, ट्रेडिशनल से लेकर के फॉर्मल और कैजुअल वेयर, ये सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देन है। और आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और अपना खुद का टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो चलिए आपको ले चलते हैं फुल केस स्टडी वीडियो के रोलर कोस्टर राइड पर, जहां आपको हर वो बात पता चलेगी कि कैसे आप बन सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हिस्सा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले जान लीजिए कि कितनी बड़ी है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्विक सपोर्ट की टीम हमेशा कोशिश करती है कि आपके डिमांड और वीडियो पर दिए हुए कमेंट्स के हिसाब से वीडियोस बनाए जाए। बहुत से लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर फुल केस स्टडी वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो 2017 में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री $150 बिलियन की थी और 2023 तक ये $223 बिलियन की हो जाएगी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग देशों में 2020 के डेटा के हिसाब से चाइना लीडिंग कंट्री है। इंडिया की हेल्प से नया देश बना बांग्लादेश इस मामले में इंडिया से भी आगे और जर्मनी के बाद थर्ड पोजीशन पर है और वियतनाम के बाद इंडिया पांचवें नंबर पर है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसे मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बना रखा है और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की GDP में 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन भी देती है। तो इतना कुछ जान लेने के बाद अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अपना खुद का टेक्सटाइल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मार्केट के बारे में जानना होगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में उतरना चाहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में रेगुलर रहती है या फिर मार्केट प्रॉफिटेबल है या नहीं। इन बेसिक सी बातों पर अगर आपकी नॉलेज और आपकी रिसर्च वर्क क्लियर रहेगी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर कहीं भी कोई आपको डाउट है तो टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे किसी भी एक्सपर्ट या बिजनेसमैन से एडवाइस लेना बुद्धिमानी होगी। बस एक ये बेसिक सी बात समझ लीजिए कि जब से इंसान ने अपना तन ढकना सीखा है तब से कपड़े डिमांड में है और ये हमेशा ही रहेंगे। बस जरूरत है करंट ट्रेंड को समझने की, लोग अभी कैसे कपड़े पहन रहे हैं और देश दुनिया किस स्टाइल या ट्रेंड को फॉलो कर रही है, क्योंकि हर बिजनेस की कामयाबी डिमांड और सप्लाई के बेहतर तालमेल पर टिकी होती है। इसमें भी 2 से 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं, जैसे आपका टारगेट फैब्रिक क्या होगा, ये एरिया की लोकेशन और कस्टमर की चॉइस पर भी डिपेंड करता है। इसके लिए आप एक छोटा सा सर्वे भी कर सकते हैं कि आप जिस एरिया में अपना टेक्सटाइल बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं वहाँ लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं। इसमें आप किसी एस्टेब्लिश्ड गारमेंट शॉप, गारमेंट ब्रांड, मॉल या शोरूम का एक्सपीरियंस लेकर के भी सीख सकते हैं। अब बिजनेस का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कंपटीशन। अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस में कोई शोरूम खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर होलसेलर बनने जा रहे हैं तो मार्केट में वो कौन लोग हैं जो आपको तगड़ी कंपटीशन दे सकते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो सस्ते में सामान कहाँ से मंगवाते हैं और कस्टमर्स को वो किस रेट पर सामान दे रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कैपिटल के बारे में। टेक्सटाइल बिजनेस में भी आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। अगर आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा है। इसके अलावा भी टेक्सटाइल प्रिंटिंग, गारमेंट शॉप, शोरूम, रिटेल आउटलेट जैसे बिजनेस 10 से 50 लाख के बीच किया जा सकता है। ये भी एक कैलकुलेटिव कैपिटल है जो आपके बिजनेस के साइज के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। और यहाँ तक अगर आपने सोच लिया है तो बात आती है बिजनेस लोन की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना धंधा जमाने के लिए बिजनेस लोन मिल जाते हैं। किसी लॉयर या CA से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DBR बनाकर अगर आप बैंक जाते हैं तो लोन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बैंक जाने पर आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बिजनेस लोन पाने के लिए बैंक और क्या क्या चीजों की डिमांड करेगा और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखेगा। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल बिजनेस तो सर्च रिजल्ट में HDFC बैंक का भी एक लिंक आएगा जिस पे टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में कुछ जरूरी बेसिक बातें लिखी हुई हैं और बिजनेस लोन अप्लाई करने का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। तो जब लोन तक आप पहुंच जाए तो उसके आगे आपको अगला स्टेप लेना होगा लाइसेंस के बारे में। टेक्सटाइल बिजनेस खड़ा करने के लिए आप शोरूम्स खोले या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर प्रिंटिंग, हर काम के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर एस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा तो आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा।
अगर आप टेक्सटाइल शॉप या शोरूम खोलने जा रहे हैं तो अपने एरिया के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 से 10 हजार की फीस भी लग सकती है। इन सारी चीजों के लिए आप किसी सीए या लॉयर को अप्रोच कीजिए, जो आपको सभी लीगल वर्क में हेल्प करेंगे। तो ये तो हुई लाइसेंस की बात, और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस। मतलब जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरीके के बिजनेस ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है कि अगर आप टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो मैनुअल टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन, ऑटोमेटिक मल्टी कलर प्रिंटिंग जैसे ढेर सारे मशीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके साथ आप प्रिंटिंग बिजनेस में जा सकते हैं। 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा महंगे प्रिंटिंग मशीन आपको मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैपिटल कितना है। दूसरा है ऑनलाइन स्टोर। आजकल लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत क्रेज है, या ये कह लीजिए कि समय की डिमांड है। तो जरूरत की लगभग हर चीज में ऑनलाइन मार्केट ग्रो कर रहा है। कपड़े, जूते, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ग्रोसरी, सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है। इसलिए आप अपने खुद की ऑनलाइन वेबसाइट बनवाकर और सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए भी अपना टेक्सटाइल या गारमेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपना टाइमलाइन स्क्रॉल करते हुए आपको बहुत से कमर्शियल एड्स दिखते होंगे, जिनमें आउटफिट्स और गारमेंट्स के भी एड्स होते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा कलेक्शन है और प्रोडक्ट भी यूनिक है, तो आपके रेगुलर कस्टमर्स के साथ साथ ऑनलाइन कस्टमर्स भी आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। अब बात आती है होलसेलर या रिटेलर। मतलब ये कि गारमेंट और टेक्सटाइल का बिजनेस ही ऐसा है जिसकी डिमांड हमेशा ही रहेगी, इसीलिए इसमें होलसेलर या रिटेलर बनकर के भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अच्छे सप्लायर को ढूंढना पड़ेगा जो आपको सस्ते में मटेरियल सप्लाई करे। क्वालिटी, प्रोडक्ट, कंफर्ट और रीजनेबल प्राइस, इन तीनों क्राइटेरिया को मैच करने के लिए आप किसी अच्छे सप्लायर से कॉन्टैक्ट कीजिए जो आपको ओरिजिनल और क्वालिटी प्रोडक्ट दे। क्योंकि अगर आपके कस्टमर्स लॉयल रहेंगे तो वो बाकी लोगों को भी आपकी शॉप या शोरूम के बारे में रेकमेंड करेंगे, और ऐसा हुआ तो आपके बिजनेस का ग्रोथ रेट हमेशा हाई रहेगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। इंडिया में सूरत, वडोदरा, शोलापुर, पुणे, जलगांव, चेन्नई, मदुरई, सालेम, कानपुर, बेंगलुरु, ग्वालियर जैसे शहर टेक्सटाइल में लीड करते हैं। इन जगहों से आप कपड़े मंगवाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पर भी अच्छा खासा खर्चा आता है। इसके लिए आप मार्केट में अच्छे और सस्ते किसी ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले सकते हैं, या फिर इंडियन रेलवे से भी आप अपना कंसाइनमेंट मंगा सकते हैं। इनके अलावा दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में भी सस्ते में आपको टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। वैसे अगर आप खुद ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो इनडायरेक्टली भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़कर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी जानने के बाद अगर करियर के लिहाज से हम बात करें तो ऐसे करियर ऑप्शन है जिनके साथ आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। निटिंग मशीन टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लूम टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, प्लांट इंजीनियर, सेल्स मैनेजर, टेक्सटाइल टेस्टर, डिजाइनर जैसे ढेर सारे ऑप्शंस के साथ आप अपना करियर बना सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल मैनेजमेंट गुरुग्राम, आईआईटी दिल्ली, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, मुंबई यूनिवर्सिटी, एनआईएफटी, निफ्ट दिल्ली जैसे ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टेक्सटाइल से जुड़ी इस फुल केस स्टडी ने आपकी काफी हेल्प की होगी। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा आपका प्यार और साथ ही साथ आपके सजेशंस, और ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी लिख भेजिएगा। साथ ही थोड़ा इंतजार कीजिएगा, बिकॉज हम आपके सारे टॉपिक्स नोट कर रहे हैं, उन पर फुल रिसर्च चल रही है, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन आपको पता है ना, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार। वैसे हाँ, जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, मोस्ट वेलकम है क्विक सपोर्ट चैनल पर आप सभी का। तो लगे हाथ एक काम और कर दीजिए ताकि आगे भी ये कनेक्शन यूं ही बना रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी या वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।